वेलकम दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे वीवो Y200e। हाँ दोस्तों, ये है वीवो का Y200 था, उसका अपडेट मॉडल निकाला है कंपनी वीवो की तरफ से, वीवो Y200e, जो कि दो वेरिएंट में अवेलेबल आपको मिल जाता है, 8GB 256GB और 6GB प्लस 128GB वाले दो वेरिएंट में 5G फ़ोन है। बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है दोस्तों, हम देखेंगे। ये Y200e जो कि लेटेस्ट मॉडल है, बॉक्स के अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है, 44W का फ्लैश चार्जर इस बॉक्स के अंदर मिलता है, वो भी सी टाइप आपको साथ में मिल जाता है, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको इस फ़ोन के अंदर मिलते हैं, डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं थोड़े बहुत, जो कि फ़ोन की डिटेल के बारे में होते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स को हम साइड में करेंगे, देखेंगे कि इस फ़ोन का लुक कैसा है, डिज़ाइन कैसी। तो दोनों ही फ़ोन में अगर सिमिलर बात करें, वीवो Y200 और Y200e के अंदर, तो जो ओरा लाइट है जो आपको दे रखी है इसके अंदर Y200 के अंदर, वो Y200e के अंदर आपको नहीं मिलती है। थोड़ा डिज़ाइन में अपडेट कर दिया, मैट फिनिशिंग था Y200 के अंदर, तो Y200e के अंदर आपको मिल जाता है लेदर फिनिशिंग। हाँ दोस्तों, वेगन लेदर डिज़ाइन आपको Y200e के अंदर मिल जाता है, जो कि Y200 में नहीं था। वीवो कंपनी के सारे फ़ोन डिज़ाइन के मामले में बहुत ही ज़ोरदार है। 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले इस फ़ोन के अंदर मिल जाता है, वो भी 120Hz के साथ। HDR10+ सपोर्ट इस फ़ोन के अंदर मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है। L1 HD स्ट्रीमिंग सर्टिफिकेशन इस फ़ोन के अंदर मिल जाता है। 91.9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर, वाकई में अच्छा है। कोई भी हाई रेजोल्यूशन वाले कंटेंट आप इजीली प्ले करके इस फ़ोन के अंदर देख सकते हो, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वगैरह वगैरह सारे देख सकते हो, वाकई में फ़ोन ज़ोरदार है। तो दोस्तों, बात करेंगे इसके अंदर, मेटालिक हाई ग्लास फ्रेम आपको मिल जाती है, जो कि शाइनिंग के लिए बनी हुई है। मेटालिक हाई ग्लास फ्रेम बहुत ही ज़ोरदार है। तो दोस्तों, 3D फ्लैट डिज़ाइन आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाती है, वाकई में ये फ़ोन अच्छा है, फ्लैट डिज़ाइन के साथ आपको मिल जाता है। तो ये फ़ोन के बारे में बात करेंगे, इसका जो वेट है 191 ग्राम इसका वेट है, दूसरा जो ब्लैक कलर है उसका 185 ग्राम वेट है। तो दोस्तों, दोनों ही फ़ोन जो कलर के वाइज है, उनके दोनों में वेट का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोस्तों, फ़ोन अच्छा है। 16 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा इस फ़ोन के अंदर मिलता है, मेटल डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन मिलता है, ग्लास फ्रेम है, इससे इसकी शाइनिंग अच्छी है, फ़ोन की लुक बहुत अच्छा है, फ़ोन वाकई में ज़ोरदार है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो मेन कैमरा सेंसर है वो आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल। ट्रिपल कैमरा सेटअप इस फ़ोन के अंदर दे रखा है, वो जो सेटअप जो दे रखा है ना, वो वाकई में ज़ोरदार वर्क करता है, मतलब अच्छा है। जो कैमरा क्वालिटी ये फ़ोन देता है वो इस प्राइस रेंज में बेस्ट है। वीवो वैसे कैमरा फ़ोन के लिए जाना जाता है, और कैमरा क्लियरिटी वाकई में इसकी बहुत ही ज़ोरदार है। तो दोस्तों, ये फ़ोन फ्लैट डिज़ाइन के साथ आपको मिल जाता है, वैगन लेदर डिज़ाइन बैक साइड में आपको मिल जाता है, नीचे के साइड में आपको फ्लैट डिज़ाइन के साथ सी टाइप चार्जिंग है, ड्यूअल सिम इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाती है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाकई में फ़ोन अच्छा है, क्योंकि डिज़ाइन अच्छी दे दिया, प्रोसेसर अच्छा दे दिया, कैमरा अच्छा दे दिया, लुक फ़ोन का वाकई में ज़ोरदार दिया। जैसे कि V23 था, वो उसके लुक के हिसाब से फ़ोन बहुत चला था मार्केट में, उसी हिसाब से ये 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप इस फ़ोन के अंदर मिल जाता है। नाइट फिल्टर, वेडिंग स्टाइल, ये सारे जो वीवो फ़ोन के अंदर आपको मिलते हैं वो सारे मिल रहे हैं। 2.2 GHz का ऑक्टा कोर कोलकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर मिलता है, जो वाकई में बहुत ही ज़ोरदार है। स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर वो अच्छा है। एंड्रॉयड 14 एंड जो फ्रंट टच OS है वो भी आपको 14 मिलता है, लेटेस्ट इसके अंदर मिल जाता है। 5000mAh का बैटरी है, 44W का फ्लैश चार्जिंग है, सुपर फास्ट चार्जिंग है, बैटरी सेवर मोड इसके अंदर मिल जाता है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, 300% ऑडियो बूस्टर इस फ़ोन के अंदर सिस्टम आपको मिलता है, 300% तक आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। तो प्रोसेसर इसके अंदर तगड़ा मिल रहा है, कैमरा सेंसर अच्छा है, डिस्प्ले पंच होल आपको 120Hz का अच्छा मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर, लुक आपको अच्छा मिल जाता है। तो वाकई में ये फ़ोन ऑल ओवर बेस्ट है, आप इसे परचेज़ कर सकते हो। वीवो Y200e बेस्ट फ़ोन है इस सेगमेंट में, बेस्ट से बेस्ट फ़ोन आपको मिल जाता है ऑल ओवर। इस फ़ोन के अंदर आपको 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है पंच होल डिज़ाइन के साथ, 44W का फ्लैश चार्जिंग मिल जाता है, 5000mAh का बैटरी है, कोलकॉम स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 का इसके अंदर 4 नैनोमीटर जो वर्क करता है वो प्रोसेसर आपको मिल जाता है, 5G ड्यूअल सिम 5G इस फ़ोन के अंदर आपको सेटअप मिलने वाला, हाई रिफ्रेश रेट मिलता है 120Hz का, फ़ोन स्मूथ चलता है, वाकई में अच्छा है। वीवो Y200e डिज़ाइन बेस्ट है, कैमरा बेस्ट है, डिस्प्ले बेस्ट है, सारी चीज़ें इस फ़ोन के अंदर आपको बेस्ट मिलने वाली है। तो ये फ़ोन बेस्ट है वीवो का।